नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो विशेष रूप से कक्षा 10वीं बोर्ड के लिए है। तो सबसे पहले हम पैसेज पढ़ते हैं। उससे पहले क्वेश्चन ये है कि 12 से लेकर 15 तक का जो पैसेज के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें सॉल्व करने हैं। तो पैसेज पढ़ते हैं। दी गंगा इज ए होली रिवर टू द हिंदूज, यानी गंगा हिंदुओं की पवित्र नदी है। दी हिंदूज कॉल इट मदर गंगा, और हिंदू इसे माँ गंगा कहकर पुकारते हैं। एवरी हिंदू विशेज टू डाई ऑन द बैंक्स ऑफ द होली गंगा सो दैट ही मे रीच हेवन, यानी प्रत्येक हिंदू की यह इच्छा होती है कि वो पवित्र गंगा नदी के किनारे मरे ताकि वह कहाँ जा सके, स्वर्ग में जा सके। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर्स इन इंडिया, यह भारत में जो बड़ी नदियाँ हैं उनमें से एक हैं। अबाउट 1600 माइल्स इन लेंथ, और इसकी लंबाई कितनी है, 1600 मील की है। इट राइजेज इन द गंगोत्री माउंटेन्स इन द हिमालय, यानी हिमालय पर्वत श्रेणी की जो गंगोत्री हिमनद है तो वहाँ से यह निकलती हैं। एट हरिद्वार इट लीव्स दी माउंटेन्स एंड एंटर्स दी प्लेन्स, और हरिद्वार में यह पर्वतों को तो छोड़ देती है और मैदानों में प्रवेश करती है। कहाँ पे, हरिद्वार में। इट्स स्पीड इज स्लोअर इन दी प्लेन्स, और मैदानों में इसकी रफ्तार कम हो जाती है। एट अलाहाबाद दी यमुना ऑल्सो ज्वाइंस इट, और इलाहाबाद में यमुना नदी इसमें मिल जाती है। एंड दी कॉन्फ्लुएंस इज नोन एज त्रिवेणी, और इनका जो मिलन होता है उसको त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है, जो संगम होता है इनका। आफ्टर फ्लोइंग थ्रू उत्तराखंड, उत्तराखंड में बहने के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, इट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, यह कहाँ मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। द गंगा इज वेरी यूजफुल फॉर कंट्री, और जो गंगा है, गंगा नदी है, वो देश के लिए बहुत ही उपयोगी है। इट ब्रिंग्स विद इट, यह अपने साथ क्या लाती है, रिच सॉइल फ्रॉम द माउंटेन्स, यानी पर्वतों की जो मिट्टी है अपने साथ ये बहा कर ले आती है। एंड स्प्रेड्स इट इन ऑन द लैंड टू मेक इट वेरी फर्टाइल, और यह जमीन पे लाके इसको बिछा देती हैं ताकि जो जमीन है उसे फर्टाइल बन जाती है, उपजाऊ बन जाती है। SST में आपने पढ़ा होगा खादर बांगर, ये पढ़ा होगा। The fields in this area produce 2 crops a year, और मैदानों के जो खेत वगैरह हैं, फील्ड्स वगैरह हैं इस क्षेत्र के जो, वो साल में यानी एक साल में 2 फसल प्रोड्यूस करते हैं, यानी एक साल में वो 2 फसल कर लेते हैं। Many saints and holy persons live on its banks, और कई जाने माने जो संत हैं या पवित्र व्यक्ति हैं वो इसके किनारे रहते हैं। एंड वी कैन लर्न, और हम सीख सकते हैं, मच फ्रॉम देयर टीचिंग्स, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उपदेश हैं और उनकी जो बुद्धिमता भरी बातें हैं वो हम सीख सकते हैं, यानी उनसे हम काफ़ी नॉलेज हम ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए इस तरह से ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और वो हमें सॉल्व करने होंगे। तो क्वेश्चन समझिए, व्हाट डू द हिंदूज कॉल द गंगा, यानी या तो आप ये कर सकते हैं कि जो WH वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, उनको आप ध्यान में नहीं रखें और उसके बाद वाली जो लाइन है पैसेज में ढूंढना शुरू कर दें, और हिंदी अर्थ आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। व्हाट डू हिंदूज कॉल दी गंगा, और हिंदू है वो गंगा नदी को क्या कहते हैं, तो हमने जब इसका हिंदी अर्थ पढ़ा था पैसेज का, तो वो इसको मदर गंगा कहकर बुलाते हैं, जो देखते हैं वापस से पैसेज को। ये रहा देखिए, दी हिंदूज कॉल इट मदर गंगा, तो यहाँ इसका हो जाएगा आंसर, हो जाएगा पहले का यानी 12वें का आंसर हो जाएगा कहाँ से, यहाँ से शुरू होगा, दी हिंदूज कॉल इट मदर गंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सेकंड हम देखते हैं क्या है, विच प्लेस इज कॉल्ड द एंट्रेंस ऑफ द गंगा इन द प्लेन्स, यानी वो कौन सी जगह है जहाँ से गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती हैं, यानी जहाँ इसका प्रवेश होता है मैदानों में, वो कहाँ होता है ये भी हमने पढ़ा था। तो वो जगह थी हरिद्वार, देखिए ये रहा
एट हरिद्वार इट लीव्स द माउंटेन्स एंड एंटर्स द प्लेन्स। तो यहां तक इसका आंसर हो जाएगा, यानी हरिद्वार में ही यह मैदानों में प्रवेश करती है, पर्वत वगैरह सब पीछे छूट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज दी गंगा यूजफुल फॉर आवर कंट्री, यानी जो गंगा नदी है वो हमारे देश के लिए कैसे उपयोगी है, यानी क्या वजह है। तो हमने पढ़ा था कि ये अपने साथ जो मिट्टी वगैरह लाती हैं, काफी उपजाऊ मिट्टी ये लेती है और इसे मैदानों में बिछा देती हैं और वो काफी फर्टाइल बन जाते हैं। देखिए यहां से इसका आंसर आ जाएगा, द गंगा इज वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री, इट ब्रिंग्स विद इट रिच सॉइल फ्रॉम द माउंटेन्स एंड स्प्रेड्स इट ऑन द लैंड टू मेक इट वेरी फर्टाइल। यहां तक आ जाएगा, और आप ये लाइन भी लिख सकते चाहे तो, द फील्ड्स इन दिस एरिया प्रोड्यूस टू क्रॉप्स अ ईयर। और उसके बाद में है जो लास्ट क्वेश्चन है अपना, वो क्या है देखिए, पिक आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच इज अपोजिट ऑफ बैरन, यानी पैसेज में से आपको ऐसा वर्ड निकालना है ढूंढ करके जो बैरन का क्या है अपोजिट है। बैरन का मतलब होता है अनुपजाऊ, इसका मतलब उपजाऊ जो वर्ड होगा उसकी अंग्रेजी अपने को ढूंढनी पड़ेगी, और वो है फर्टाइल। क्या है फर्टाइल, ये इसका आंसर हो जाएगा फर्टाइल। ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो पैसेज पढ़ते हैं, शिवाजी द ग्रेट वॉज अ वेरी वाइज एंड ब्रेव किंग। शिवाजी जो शिवाजी महान वो एक बुद्धिमान और बहादुर राजा थे। व्हेन औरंगजेब इम्प्रिजन्ड हिम एट आगरा, जब औरंगजेब ने उन्हें आगरा की जेल में कैद कर लिया या आगरा में उन्हें बंदी बना लिया था, ही थॉट ऑफ ए क्लेवर प्लान, उन्होंने एक क्लेवर प्लान सोचा, यानी उन्होंने काफी अच्छी एक योजना बनाई थी, चतुराई भरी योजना बनाई थी, उनका विचार काफी अच्छा था। एंड एस्केप्ड फ्रॉम देयर इन 1666 और 1666 में वे वहां से बचकर निकल गए। द होल ऑफ महाराष्ट्र वॉज फिल्ड विद ग्रेट जॉय, और पूरा का पूरा जो महाराष्ट्र था वो बहुत ज्यादा खुश हुआ इस बात से। औरंगजेब ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर औरंगजेब की बात करें, गॉट फ्यूरियस, आग बबूला हो गया, क्रोधित हो गया, एंड ब्रॉक ऑल द ट्रीटीज, और सारे के सारे जो ट्रीटीज थी, संधियां थी मेड बाय हिम जो उसने की थी विद शिवाजी, शिवाजी से वो उसने क्या कर दी, ब्रॉक कर दी, तोड़ दी। एंड बिगेन टू ट्रबल द स्मॉल मराठा किंगडम इन मैनी वेज, और कई दूसरे तरीकों से वह छोटे से मराठा साम्राज्य को क्या करता है, ट्रबल देने की, कठिनाई तकलीफ देने की कोशिश करने लगा, यानी कोशिश क्या करने लगा, देने ही लग गया था वो, तकलीफ देने लग गया था, किसी न किसी जरिए से वो परेशान करता था। दिस ब्रेवरी एंड डिटर्मिनेशन हेल्प देम टू रिकवर द फोर्ट्स अंडर द मुगल पोजिशंस वन आफ्टर अनदर, बहादुरी से और दृढ़ निश्चय से उन्होंने अपने जो किले थे जो मुगल अधिकार में चले गए थे एक के बाद एक वो वापस प्राप्त करते गए। दाउ यद्यपि शिवाजी फोर्सेस कैप्चर्ड मैनी फोर्ट्स, यद्यपि शिवाजी की सेना ने कई किलों को अधिकृत किया यानी कब्जा कर लिया इन दक्कन, दक्कन में, ही डिड नॉट फील वेरी हैप्पी टिल ही टुक द ग्रेट एंड इम्पोर्टेंट फोर्ट ऑफ कोंडाना, यानी सबसे इम्पोर्टेंट जो किला था कोंडाना वो काफी महत्व का था, तो वो भी वो प्राप्त करना चाहते थे, तब तक वो खुश नहीं थे, यानी वो कोंडाना प्राप्त किए बिना खुश नहीं होना चाहते थे। देखिए ही डिड नॉट फील वेरी हैप्पी, वो जब तक खुश नहीं हुए तब तक उन्होंने महान या बड़े महत्वपूर्ण किले को प्राप्त नहीं कर लिया, यानी वो कोंडाना किला था। हिज मदर जीजाबाई वॉज ऑल्सो इक्वली, और उनकी माँ जीजाबाई वो भी उतनी ही बेचैन थी जितना कि उनका बेटा था। शुड गेट बैक द स्ट्रेटेजिक फोर्ट सून, कि वो जल्दी ही प्राप्त कर ले किसको, जो स्ट्रेटेजिक जो फोर्ट है उसे जल्दी ही प्राप्त कर ले, यानी वो चाहते थे कि वो कोंडाना को जल्दी से प्राप्त करें। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, Why was the whole of महाराष्ट्र filled with joy? यानी जो महाराष्ट्र था वो खुश क्यों हो गया, पूरा प्रांत खुश क्यों हो गया, उसकी वजह थी कि वो, ये देखिए यहां से है, When औरंगजेब imprisoned him at आगरा, he thought of a clever plan and escaped from there in 1666. At this, the whole of महाराष्ट्र was filled with great joy. यानी वो वहां से बच के निकल गए थे,
उनकी कैद से आजाद हो गए थे, इसलिए जो पूरा का पूरा महाराष्ट्र है वो क्या हो जाता है, कुछ हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए, वेयर डिड औरंगजेब इम्प्रिजन हिम, यानी कहाँ उन्होंने उसको कैद किया था शिवाजी को औरंगजेब ने। तो वो था, शुरू में हमने जब पढ़ा था तो वो वहां पे आगरा आया था। देखो ये रहा, यहाँ से औरंगजेब इम्प्रिजन हिम एट आगरा, तो ये आगरा तक इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है, हु वाज इक्वली एनेक्शस अबाउट हर सन, अपने बेटे जितनी ही एनेक्शस कौन थी, तो वो उनकी माँ थी। तो ये यहाँ आपको मिलेगा, हिज मदर जीजाबाई वाज ऑल्सो इक्वली एनेक्शस दैट हर सन शुड गेट बैक द स्ट्रेटेजिक फोर्ट, सो उनकी कोंडाना किला वो प्राप्त कर ले जल्दी जल्दी, इसलिए वो भी बेचैन थी। और उतने ही बेचैन कौन थे, शिवाजी भी थे। फिर लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, यानी पैसेज से आपको ऐसा शब्द ढूंढना है जिसका मतलब ये है, रिटन एग्रीमेंट बिटवीन टू स्टेट्स, यानी दो राज्यों के बीच में जो लिखित में जो एग्रीमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं संधि कहते हैं। और संधि की अंग्रेजी इसमें क्या होगी, देखो जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रीटी बोलते हैं। ये रही यहाँ पे ट्रीटी, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा ट्रीटी का।